हेलो दोस्तों, एचडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर प्रभात कुमार लाया हूं आपके लिए स्टॉक्स मार्केट रिलेटेड एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ जो आपको एकदम नहीं समझ में आता और मेरे वीडियो देखने के बाद आप बस फराटेदार उसमें आप मार्केटिंग कर पाओगे। वो है दोस्तों स्टॉक मार्केट का, ICICI डायरेक्ट का मार्जिन प्लस ऑर्डर। मार्जिन प्लस ऑर्डर एकदम सिंपल है और लोग इसको कन्फ्यूजिंग बना देते हैं जिसकी वजह से हम कर नहीं पाते। दोस्तों ये इंट्राडे है, टोटली इंट्राडे पे होता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा पूरा जो भी सिस्टम है, जो भी चैनल है, ये फुली एजुकेशनल बेस्ड है और इसके अलावा कुछ नहीं है। केवल हम इसमें आपको बताते हैं और कुछ हमारा रिलेशन नहीं है। दोस्तों अगर आपको स्टॉक्स मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो दोस्तों अगर आप मेरे थ्रू खुलवाते हो तो आपको ये फ्री में सर्विस दी जाएगी, प्लस एक एजुकेशनल बेस हर एक इंट्राडे के लिए। बेसिकली मेरी इंट्राडे के लिए और पोजिशनल बेसिस के लिए मैं स्टॉक्स देता हूं, क्योंकि हर एक स्टॉक्स मार्केट में कौन सा स्टॉक अप जाएगा, कौन सा डाउन जाएगा, ये किसी को पता नहीं रहता है। तो दोस्तों ये एजुकेशनल बेस्ड है और मेरे को पता है कि कौन सा स्टॉक्स अप जाएगा, कौन सा डाउन जाएगा। तो मैं आपको एक इसमें फैसिलिटीज देता हूँ कि आपको पता चल पाए, एक अनुमान देता हूँ। दोस्तों मैं ये तभी दूंगा जब आप मेरे थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवाओगे। डीमैट अकाउंट खुलवाने का कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारे थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने क्लास की तरफ। अब हमें देखना है कि मार्जिन प्लस ऑर्डर हम कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि लॉगिन कर लिया है मैंने ICICI डायरेक्ट को, लॉगिन आप भी करोगे, उसके बाद इक्विटी में जाओगे तो ये आपका टोटली खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक दिखेगा मार्जिन प्लस ऑर्डर, आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली इसको क्लिक करना है। मार्जिन प्लस ऑर्डर में आप जैसे ही जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर NSE और BSE, कौन सा स्टॉक आपके किस एक्सचेंज में है। आप NSE चूज करो, नहीं तो BSE चूज करो, या तो NSE में है तो NSE चूज कर लो। स्टॉक्स कोड यहाँ पे डाल दो, बाई यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाई ऑटोमेटिक बना हुआ है। अब आप इसको दो तरीके से खरीद सकते हैं, या तो अमाउंट डाल दीजिए तो आपको कितनी क्वान्टिटी उतने अमाउंट में परचेज होगी वो यहाँ पर आ जाती है, नहीं तो आप सिंपली क्वान्टिटी डाल दो। जैसे आपको 1000 क्वान्टिटी बाई करनी है तो 1000 क्वान्टिटी हमने डाल दिया। अब मान लीजिए कि मार्केट का प्राइस 100 रुपया है, हम चाहते हैं कि वो 99 रुपया में आए तब हमसे बाई होए, तो हम लिमिट प्राइस डालेंगे। नहीं तो मार्केट में अगर परचेज करते हैं तो जितनी मार्केट में वैल्यू है उतने में वो परचेज हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे लिमिट प्राइस डाल दिया, 100 डाल दिया यहाँ पे। अब जब 100 उसकी प्राइस होगी स्टॉक्स की तो वो हमें बाई हो जाएगा। अब दोस्तों मेन आता है कवर SLTP ऑर्डर। SLTP ऑर्डर में ही दोस्तों बहुत सारे लोग गड़बड़ हो जाते हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल है। कवर SLTP ऑर्डर में हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस यहाँ पे स्टॉक्स कोड तो हमारा आ ही जाएगा, स्टॉक्स कोड जो भी स्टॉक्स हमने ऊपर सेलेक्ट किया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों सेल दिखा रहा है, वो हमारे बाई का लग गया। अब ये SLTP में सेल का ऑर्डर होता है। यहाँ पे लिमिट प्राइस में जैसे कि 100 रुपये में हमने खरीदा, अब SLTP यहाँ पे जैसे 1 रुपया हम लॉस उससे बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो यहाँ पर 99 SLTP में डाल दिया, ठीक है। अब लिमिट प्राइस ऑटोमेटिक 98 पॉइंट वो ऑटो जनरेटेड सिस्टम ले लेगा, 98.5 ले लेगा, या नहीं तो 98.2 ले लेगा वो, तो यानी कि 99 से 98.5 या 98.2 तक वो हमारी जो भी अगर वैल्यू आती है स्टॉक की तो वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड, आपको कुछ नहीं करना है। मतलब अगर ऊपर में हमने यहाँ पे 100 लिया है तो SLTP यहाँ पे उससे कम लेंगे, 99 लेंगे तो यहाँ पे 98.2 हो जाएगा, 98 लेता तो उससे भी कम हो जाता। अब क्वांटिटी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबमिट डाल देना है। जैसे हम सबमिट डालेंगे हमारा ऑर्डर प्लेस्ड हो जाएगा और 99 वैल्यू जैसे आएगी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं, मान लीजिए कि हमने हमारा वो बाई हो गया। अब बाई हो गया तो हमारा वो ऑर्डर कहाँ दिखेगा, वो हमारा दिखेगा यहाँ पर मार्जिन प्लस
मार्जिन प्लस ऑर्डर में यहाँ पे दिखेगा। अब जैसे ही हम मार्जिन प्लस ऑर्डर में जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे वो ऑर्डर दिख रहा है। अब हमें मेन है कि 99, हमने 100 रुपये में खरीदा था तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, भाई 99 में क्यों बेचेंगे हम। तो यहाँ पे हम जब ऑर्डर प्लेस्ड होके आ जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो यहाँ पे आता है प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट में हम जाएंगे, क्लिक करेंगे और वहाँ पे जैसे उसका स्टॉक का रेट 100 रुपीज़ से 105 रुपया हो गया, तो प्रॉफिट बुक में हम 105 डाल देंगे और ऑर्डर बुक कर देंगे। जैसे ही स्टॉक्स का प्राइस 105 होगा, वो 105 पे बिक जाएगा, आपका 99 पे नहीं बिकेगा। अगर इन केस वो 105 नहीं जाता है, तो अगर जैसे कि आपने परचेज किया वो घटने लगा, अब घटा तो 99 जैसे हुआ, 99 से 98.5 तक एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि आपके लॉसेज कम होंगे। और जैसे ही 105 जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो गया, तो 105 में वो आपने लगा रखा है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। बस इतना ही है दोस्तों। इसको लोग कितना इसको टफ बना देते हैं जिससे लोग लॉस में चले जाते हैं। तो कुछ नहीं है, मार्जिन प्लस पोजीशन। मार्जिन प्लस पोजीशन में हमें एक बेनिफिट ये मिलता है कि हमें जितना का भी, जैसे हमने 1,000 रुपया लगाया तो हमें इसका 25 गुना, यानी कि 25,000 का हम स्टॉक खरीद सकते हैं 1,000 रुपये में। ये हमें बेनिफिट है इसमें। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग पूरी तरीके से मार्जिन प्लस ऑर्डर कैसे लगाते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये आप समझ गए होंगे। दोस्तों आपसे अपील है कि अगर आपको हमारे थ्रू डीमेट अकाउंट खुलवाना है, फ्री में डीमेट अकाउंट खुलता है, यहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए। नहीं तो वहाँ पर लिंक भी दिया गया है, आप लिंक में सिंपल अपना नाम नंबर और मोबाइल नंबर डालिए और आपका डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन हो जाएगा। तो आए दोस्तों, बस क्लोज करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।